अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं चटपटे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ जो न्यू फ्रेंड है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो है आलू आपके सामने बॉईल किए हुए हैं, दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं काट के रख लिए हैं, दो मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक है, इसको बाद में पेस्ट कर लेंगे हम इसका, और मीडियम साइज़ में प्याज, गरम मसाला और सूखा धनिया, जो आपके सामने सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं जो आपके सामने पड़ी हैं। तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ और आलू को काट लेते हैं। तो जी आलू भी मैंने काट लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है। तो मैंने बड़े साइज़ में आलू काटे हैं। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच का घी डाल देते हैं, और साथ में मैं आग जला देती हूँ। तो प्याज डाल देते हैं और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो चुके हैं, साथ में ही मैं टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर को फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च भी साथ में डाल देते हैं। तो ये जो है टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, भुना गया है। अब इसके अंदर लाल मिर्च एक चम्मच, थोड़ी सी हल्दी एक चम्मच, नमक का, इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको भून लेते हैं मसाले को। तो मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम आलू डाल देंगे और आलू को साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये बॉईल हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी लगा दूंगी कि ये अच्छे से सब मसालों में मिक्स हो जाए। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं, साथ में थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ ऊपर। तो ये चटपटे आलू रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड कैसी लगी चटपटी आलू की रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।